हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टडी सोशल साइंस क्लास थर्ड लेसन थर्ड आवर सोलर सिस्टम। टॉपिक आज का द सन, सूर्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। द सन इज ए मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, इट इज ए स्टार। द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य एक बहुत बड़ी आग का गोला है जो कि गैसों से बना है और इस यह एक तारा है। सन और ये कहाँ स्थित है? सौर मंडल के बीचों बीच में स्थित है। इट इज़ अराउंड 100 टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। द सन लुक्स बिगर, और ये बड़ा क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास में होता है। देन एनी अदर स्टार, जबकि और कोई स्टार पास में नहीं होता। द सन इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होता है। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, क्योंकि यह कई गैसों से मिलकर बना होता है। विच आर बर्निंग कंटिन्यूसली, जो कि लगातार जलती रहती है। इट गिव अस हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देता है? हीट, गर्मी और लाइट, प्रकाश देता है। विदाउट द सन, अगर सन नहीं होगा तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, तो हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। हमें फीचर्स ऑफ द सन, ये हमारे क्या क्या हेल्प करता है सन, सूर्य? तो गिव अस हीट एंड लाइट, प्रोवाइड एनर्जी, ना ऊर्जा देता है। प्लांट्स इसमें अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वाटर साइकिल, जल चक्र बनता है। गिव अस विटामिन डी, किल्स जम्स, ये जम्स को मार देता है। ड्राइज अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों को सुखाता है। इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ऊर्जा का अंतस्थ यानी कि आखिरकार सोर्स है, स्रोत है। नेक्स्ट प्लैनेट, प्लैनेट मीन्स क्या होता है? ग्रह। एज द डे पासेस इट सीम्स दैट सन हैज मूव्ड अक्रॉस द स्काई, इन रियलिटी द सन डज नॉट मूव। जैसे जैसे दिन बढ़ता है या निकलता है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है आकाश में, परंतु ऐसा नहीं है। इट अपीयर्स टू चेंज इट्स पोजिशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? ये रोटेशन जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है उसके कारण होता है। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है परंतु अपने फिक्स ऑर्बिट पर। ओके, द प्लैनेट, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। पृथ्वी के साथ उसके जो दूसरे 7 प्लैनेट्स है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर, और जितने भी प्लैनेट होते हैं ग्रह, इनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। इनको लाइट कहाँ से मिलती है? दे गेट लाइट फ्रॉम द सन, इनको सूर्य से प्राप्त होती है। दे स्पिन लाइक ए टॉप, और जो पृथ्वी होती है वो अपनी दूरी पर कैसे घूमती है? जैसे टॉप घूमता है उस तरह से ही अपनी दूरी पर घूमती है, और इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व, और जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं परंतु वो अपने फिक्स्ड पथ पर लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और इसको क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब कौन कौन से प्लैनेट है, इन सब के बारे में सारे प्लैनेट्स के नेम दे रखे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में, अच्छी बातें बता रखी है। इंडियन नेम क्या है इनका, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये एक अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं, और इन सब के पिक्चर भी दे रखे हैं। फर्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सबसे छोटा है, और सनराइज और सनसेट से पहले ये हमें दिखा देता है। इसका इंडियन नेम क्या है? बुध। और कितना टाइम लेता है? 88 डेज। क्या नेक्स्ट, वीनस इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये बहुत गर्म ग्रह है सोलर सिस्टम का, और इसको अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेम क्या है इसका? शुक्र। और कितना टाइम लेता है? 225 डेज लेता है। थर्ड नंबर अर्थ, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, इट इज़ द ओनली प्लेनेट सपोर्ट लाइफ, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लेनेट भी इसको कहा जाता है, और इसका इंडियन नेम पृथ्वी। और कितना टाइम लेता है ये वन रिवोल्यूशन करने में? 365 डेज। फोर्थ, मार्स। मार्स इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट बिकॉज इट्स एटमोसफियर इज कवर्ड। ओके, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल को ये पूरा कवर करता है ना। इसको इंडियन नेम क्या है इसका? मंगल। और कितना टाइम लेता है?
687 डेज। जुपिटर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है सौरमंडल का, और इसमें क्या होता है, इसको गैस जायंट भी कहा जाता है। इंडियन नेम क्या है इसका, बृहस्पति। और कितना टाइम लेता है रिवोल्यूशन में, 12 ईयर्स, 12 साल। सैटर्न, इट इज़ द रिंग प्लेनेट, देखो इसके चारों तरफ रिंग बना रखी है, और ये किससे बना होता है, आइस है ना, बर्फ, चट्टानों और डस्ट से बना होता है, इसको क्या कहा जाता है इंडियन नेम। शनि, और कितना टाइम लगता है इसको, 30 ईयर्स लगता है वन रिवोल्यूशन में। 7 नंबर यूरेनस, इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेनेट, ये बहुत ठंडा ग्रह है और ये पूरा आइस ही होता है, इसका इंडियन नेम क्या है, अरुण। और कितना टाइम लेता है ये, 84 ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट नेपच्यून, लास्ट, इट इज़ द फार्देस्ट प्लेनेट, ये सबसे दूर है सूर्य से, और इसका इंडियन नेम क्या है, वरुण। और ये कितना टाइम लेता है, 165 ईयर्स वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। थैंक यू चिल्ड्रंस।